OCM चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। अभी तक आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन, इसमें आपने प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये पढ़ा था। ओके, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े जिसमें 3 टाइप थे, आपने सिर्फ 2 टाइप पढ़े, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ओके, अब हम थर्ड वाला टाइप पढ़ेंगे जो कि है आपका कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, जो ऐसा कंपनी जो कि गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते, उसके शेयर्स परचेज करते हैं और उसको रजिस्टर्ड करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, जिसमें 51% पेड अप कैपिटल जो है वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, बाकी 49% जो है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। एग्जांपल आप ले सकते हो हिंदुस्तान मशीन टूल्स का, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कि जो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो या परचेस करते हो तो उस पर सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट का ही नाम होता है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, तो फर्स्ट जो कि आपको ये 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, एनुअल रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट, यहाँ पे ये सब फीचर्स में भी आपको ये पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे। एनुअल रिपोर्ट मतलब क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है तो वो साल में एक ही बार क्या करती है, एनुअल रिपोर्ट रिप्रेजेंट करती है। ओके, और वो भी कहाँ पे करती है, पार्लियामेंट में। अब सेकेंड पॉइंट आपको दिया है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है, तो आप जो गवर्नमेंट कंपनी का जनरल ऑडिटर होता है उसको एडवाइस देने के लिए अपॉइंट किया जाता है। ओके, थर्ड जो है वो है शेयर होल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप उसको 3 टाइप में खरीद सकते हो, पूरा या फिर थोड़ा बहुत या फिर पार्टली मतलब हाफ, तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसे ही खरीदती है। अगर पूरा है तो होगा 100%, अगर पार्शियल है तो होगा 51%, और अगर आप प्राइवेट कंसर्न हो तो मैंने 49% शेयर कैपिटल ऑलरेडी बताया। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट, तो मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, ठीक है, वही इसका क्या करता है, गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करने का काम करता है। अब फीचर्स देख लेते हैं, फर्स्ट फीचर क्या बोला, रजिस्ट्रेशन, तो ये भी आपने पहले ही मीनिंग में पढ़ लिया, रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के अंडर होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। नेक्स्ट जो है फीचर वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका कंट्रोल किसको होगा, गवर्नमेंट का ही होगा, तो कंपनी का जब आप नाम रखोगे तो आपको कंपनी के नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। थर्ड जो है वो है मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर मतलब क्या हो गया, कि जो मेजर कैपिटल होता है वो किसको जाता है, गवर्नमेंट को ही जाता है गवर्नमेंट कंपनी में, तो जो और मैक्सिमम सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट कंपनी ही अपॉइंट करती है, मतलब कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है ओन स्टाफ, गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी एग्ज़ाम लेगा, फिर लोगों को क्या करेगा, हायर करेगा। और लास्ट जो फीचर है वो है फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल, मतलब बजट, अकाउंटिंग, ऑडिट कंट्रोल, ये सब गवर्नमेंट के लिए फ्री में एप्लीकेबल है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगता है। ओके, तो ये आपका फीचर्स था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरिट्स, तो फर्स्ट मेरिट क्या है, इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, कंपनीज एक्ट के थ्रू ही क्या करना, हमको रजिस्टर करना है। सेकंड है इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी मतलब क्या हो गया, कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट कंपनी जो है फंक्शन करती है।